मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी अब लगभग दस साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले नौ साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ़ नहीं आने दी चाहे वो सड़कें हों चाहे वो अस्पतालों का वो हो बिजली हो हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले दस साल से मिल रही हैं वो उस, उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं लेकिन पिछले एक साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक के मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने दिल्ली को ठप करने की कोशिश की दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की दिल्ली सरकार को डीरेल करने की कोशिश की उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं हम डटे हुए हैं अब मैं बाहर आ गया हूँ और जितने भी रुके हुए काम थे और जो जो तकलीफ़ें और समस्याएं लोगों को हैं मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करना हमारा फ़र्ज़ है मुझे पता चला है कि दवाइयों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में इन लोगों ने दवाइयाँ बंद कर दी इन लोगों ने अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में जो फ़्री टेस्ट होते थे वो बंद कर दिए इन लोगों ने जो फरिश्ते स्कीम होती थी जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था वो बंद कर दिया इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं कई होमगार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं जो जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए अतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे जब मैं जेल गया था तो पीछे से इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने दिल्ली सरकार के बहुत सारे काम रोके लौटने के बाद अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मैं और आतिशी जी कुछ सड़कों का मुआयना करने के लिए निकले लोगों की शिकायतें आ रही थी कि उनके एरिया की सड़कें खराब हो गई हैं इन्होंने नॉर्मल सड़कों का मेंटेनेंस जो होता है रूटीन मेंटेनेंस वो भी इन लोगों ने बंद करा दिया था तो हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पर उतर के दिल्ली की सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए और जो जो ख़राब हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए इस बारे में मैंने आतिशी जी को चिट्ठी भी लिखी थी तो मुझे खुशी है कि इन लोगों ने सारे हमारे पार्टी के विधायकों ने लीडर्स ने और मंत्रियों ने सड़क पे उतर के रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआयना किया है और कितनी ख़राब है कौन कौन सा काम करने की ज़रूरत है उस सारा सारी रिपोर्ट एक बनाई है और रिपेयर का काम भी शुरू हो गया रिपेयर का कारपेटिंग का